हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दमन के बाद बाबू शंसल लेके आ चुके उनकी और एक न्यू मच अवेटेड मूवी यानी मलयगिरी, जिसका कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ पैन इंडिया रिलीज का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। और इस मूवी के तरफ से बाबू शंसल का फर्स्ट लुक को भी रिवील कर दिया गया, जो कि दो दिन पहले ही हो चुका है। यानी ये मूवी अब ओडी के साथ साथ और तीन लैंग्वेज के अंदर रिलीज हो गया, यानी हिंदी, तमिल और तेलुगु, टोटल चार लैंग्वेज के अंदर ये मूवी पैन इंडिया के अंदर धमाका करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मलयगिरी का आपको टीजर कब तक देखने को मिल सकता है, और साथ साथ इस मूवी के अंदर सेकेंड मेन रोल में जो रहने वाले यानी अमलान दास, उनका फर्स्ट लुक हमें कब तक देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी बात करने वाले। अगर आप लोग एक्साइटेड हो और जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज को लेकर रोजाना आप सभी लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दमन के बाद बाबू शंसल अब पूरी तरीके से रेडी है और एक धमाका करने के लिए। तो दमन के अंदर उनका रोल, कैरेक्टर और वो जो मूवी था टोटली डिफरेंट था, टोटली अलग था, और वो मूवी इससे एकदम डिफरेंट, एकदम अलग होने वाला है। और इस मूवी के अंदर बाबू शंसल जो कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये पोस्टर देख लो, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि इस मूवी के अंदर उनका रोल कैसा होने वाला है और ये मूवी किस तरीके का होने वाला है। यानी एक टोटली एक्शन ब्लॉक होने वाला है, जिसके अंदर आपको बाबूशन मोहंती और अमलान दास देखने को मिलेंगे फाइट करते हुए। अभी वो एक दूसरे के खिलाफ आएंगे या फिर एक साथ आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये मूवी एक एक्शन ब्लॉक होगा। आपको हाई ऑप्टिक एक्शन मूवी देखने को मिलेगा और ये एक हाई बजट मूवी होने वाला। और इस पोस्टर के अंदर बाबूशन सर जिस हिसाब से देख रहे हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है काफी एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है। और अगर इसमें का कहानी कंटेंट सही बैठ गया तो ये मूवी भी ओडिया के अंदर ब्लॉकबस्टर होएगा और दमन के रिकॉर्ड को भी ये तोड़ने वाला है और एक नया रिकॉर्ड बना के ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा ओडिशा के अंदर। और साथ ही साथ एक्शन सीन, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, डायरेक्टर साहब के डायरेक्शन, अगर ये सभी चीजें इस मूवी के अंदर सही बैठ गया, सभी चीज सही हो गया, तो ये मूवी ओडिशा के अंदर तो तबाही करेगा ही, साथ ही साथ ओडिशा के बाहर भी जाके ये तबाही करेगा। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना है और इस मूवी को लेकर आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। रुको रुको, ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। मैंने जो टाइटल में लिखा है वो अब यहाँ पे बात करेंगे, यानी इस मूवी का टीजर आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की तरफ से काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई टीजर कब तक आएगा, क्या क्या चीजें चल रहा है। तो देखो, जितना मैं पता कर पाया हूँ और जितना मुझे पता चला है और जो अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो फिलहाल अभी टीजर को लेके ही अपडेट है कि कोई भी अपडेट नहीं है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही टीजर को लेके मुझे कुछ पता चलता है मैं जरूर से अपडेट करने वाला हूं। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक टीजर को लेके कोई भी अपडेट नहीं है। तो रिसेंटली यहाँ पे पैन इंडिया रिलीज का अनाउंसमेंट हुआ है, बाबू शंसल का फर्स्ट लुक यहाँ पे रिलीज हुआ है और उसके बाद जाके अमलान का यानी अमलान दास का जो है और एक लुक यहाँ पे रिवील होगा, एंड उसके बाद ही शायद से जाके टीजर का अनाउंसमेंट या फिर कुछ हो सकता। तो दो दिन पहले शायद अमलान का बर्थडे भी गया था और मुझे यही लगा था कि उनके फर्स्ट लुक को भी शायद वहां पे रिवील कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं किया। तो अभी मुझे पता नहीं कि मेकर्स यहाँ पे क्या प्लानिंग करे, अगर आप लोग कुछ पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते। और अभी मैं देखता हूँ कि मेरे तरफ से मैं कितना अपडेट निकाल पाता हूँ, तो जैसे मेरे कुछ पता चलेगा मैं जरूर से आपको अपडेट करूंगा। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं कुछ अपडेट दूंगा आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।